उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहले ही 50,000 से ज़्यादा इस वर्ष भर्तियों को करने की घोषणा कर रखी है। बड़ी अपडेट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 50,000 यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्तियां होने वाली हैं। समूह गा वर्गों की ये भर्तियां हैं जहां पर लेखपाल जैसी और अन्य बड़ी भर्तियां होने जा रही हैं। इसके बारे में हम अपडेट करेंगे, महत्वपूर्ण तारीखें हम आपको बताएंगे, आवेदन की, परीक्षा की सभी। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर ये जान लेते हैं साथियों कि आज शाम तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एक परीक्षा परिणाम देखने को मिल सकता है जिसकी मीटिंग 2-3 दिन पहले हो चुकी है और वहाँ पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी उसके आधार पर यह था कि सोमवार को शाम तक वह जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर कोई भी रिजल्ट या परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे परिणाम घोषित होने बाकी हैं। हम आपको बता दें कि लगभग 13 ऐसी पुरानी परीक्षाएं हैं जिनके परिणाम अभी तक यूपी ट्रिपल एससी घोषित नहीं कर पाया है और शासन ने निर्देश दिया है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कि ये जो 50,000 नई भर्तियां हैं इनको निकालने से पहले ये जो 13 आपके पेंडिंग परिणाम है, फाइनल परिणाम, इनको घोषित करने के बाद ही आप विज्ञापन निकालें। तो विज्ञापन निकलने की तारीख हम आपको बताएंगे, इसीलिए यह परिणाम की घोषणा होना आज से शुरू हो गया है। उम्मीद है कि 7-10 दिन यानी इसी हफ्ते या अगले हफ्ते को जोड़कर लगभग इन 10-15 दिनों में ये जो पेंडिंग 13 परिणाम है फटाफट घोषित होने वाले हैं, क्योंकि साफ निर्देश है कि इन जो 13 परिणाम है पुराने ओल्ड जो ये पुराने परिणाम है 13, इनको फाइनल करने के बाद ही आप नया जो है वैकेंसी शुरू करेंगे जो कि 50,000 पदों पर होने जा रही है। जी हाँ, 50,000 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। यही यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है क्योंकि 50,000 पदों पर बड़ी भर्ती होने जा रही है। हम आपको बता दें कि उम्मीद है कि यहाँ पर 11 मार्च से आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं। जी हाँ, 11 मार्च 2021 से यूपी ट्रिपल एससी ऑनलाइन आवेदन ले सकता है, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में, जी हाँ, फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अगर हम इसकी आवेदन की बात करें तो 11 मार्च से लगभग 25 मार्च के आसपास चलने वाली हैं और उसके मार्च के अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में अंतिम में इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें खुद इन्वॉल्व हैं और उन्होंने खुद कहा है कि इसकी परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए क्योंकि चुनाव के लिए यह भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50,000 पद हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए ये यहाँ पर महत्व, यहाँ पर आंकड़े बताए जा रहे हैं। अगर अप्रैल अंतिम में ये परीक्षा नहीं होती है तो मई फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा होने की 100% चांसेस हैं और ये परीक्षा होकर ही रहेगी। उसके बाद तुरंत लगभग 30-40 दिनों में इसका परिणाम घोषित हो जाएगा फाइनल और उसके बाद सभी विभागों की अलग अलग विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। पूरी कोशिश है कि सारी भर्ती प्रक्रिया इसी 2021 नए वर्ष में पूरी हो जाएंगी और उम्मीद है कि कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी प्रदान हो जाएंगी। तो ये आज की अपडेट थी यूपी ट्रिपल एससी की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।